तुमुंग ग्राम में 108 कन्याओं द्वारा निकाली गई कलश यात्रा, कलश स्थापना कर हुई हरि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। राजनगर प्रखंड के तुमुंग गांव में गुरुवार को 108 कन्याओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई एवं हरि मंदिर कलश स्थापना कर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई। वहीं गुरुवार अहोरात्रि हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया, जहाँ हजारों की संख्या में भक्तजन पहुँचे। हरिनाम संकीर्तन से तुमुंग गांव हरे राम हरे कृष्णा के नाम से गूंजने लगा। वहीं पूजा अनुष्ठान में राजनगर भाग 17 की जिला परिषद सदस्य श्रीमती अमोदनी महतो भी कलश यात्रा में शामिल हुई और वह भी कन्याओं के साथ गांव के तालाब से कलश माथे पर रखकर मंदिर में स्थापना की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा, इन दिनों जिले के विभिन्न गाँव में भजन कीर्तन किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में भगवान के प्रति आस्था और भक्ति का स्वरूप और भी बढ़ रहा है। वहीं इस अनुष्ठान को सफल आयोजन में जिला परिषद सदस्य श्रीमती अमोदनी महतो, समाजसेवी शशिभूषण महतो, पंचायत समिति सदस्य अनीता महतो, प्रतिमा महतो, सुनील चंद्र महतो, दीपक कुमार महतो, रघुनाथ महतो, अरुण महतो, सीताराम महतो, श्यामल राम महतो, सपन महतो, पवन महतो, राहुल महतो, आस्तिक महतो, ग्रामीण एवं ग्रामीणों का सराहनीय योगदान रहा है। अभी देखा जा रहा है राजनगर प्रखंड क्षेत्र के अन्य कोनों कोनों में अखंड हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, जो कि गांव में सुख समृद्धि बनी रहे, ये मनोकामना के साथ हर क्षेत्र में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है और वही कार्यक्रम आज तुमुंग गाँव में भी किया जा रहा है। सुख शांति हमेशा बने रहे और हम भी कामना करते हैं कि इस क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि बने रहे। पाठ कुमारी कन्या द्वारा कलश स्थापना किया गया और मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी है और शाम को हरिनाम संकीर्तन भी है। श्री राधा कृष्ण मंदिर समिति तुमुंग की ओर से सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक स्वागत करता है। आज हमारा ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और कलश स्थापना है और आज शाम को अहरात्रि कीर्तन होगा और काल इनका धुरल प्रोसेस होगा, महाप्रसाद का वितरण होगा। मंदिर बहुत पहले हम लोग भी नहीं जानते थे, लगभग 60-65 साल पहले कीर्तन हुआ करता था, उसके बाद कुछ कारणों से बंद हो चुका था। अभी इस साल हम लोग इसको नया प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर का रिपेयरिंग सब कुछ करा के इस साल से हम लोग नया सिरे से संकीर्तन, राधा कृष्ण संकीर्तन का नाम शुरू कर रहे हैं। आस्था का विषय है, इससे हमारा मन को संतुष्टि मिलता है। कोई भी मंदिर में आप जाइएगा एक सनातन धर्म की ओर, बड़ा सुकून और शांति का अनुभव होता है। हमारा तुमुंग का जो बड़ा तालाब है वहाँ से लाया गया है, 108 कुमारी कन्याओं का द्वारा कलश यात्रा किया गया है। इसके बाद सभी के लिए बालक भजन का व्यवस्था किया है दोपहर के लिए, शाम को भंडारा लाएगा, शाम को कीर्तन का शुभारम्भ होगा और कल महाप्रसाद का वितरण होगा।